जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पाली नर्सिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, रास्तों की परवाह करूंगा तो मंजिलें बुरा मान जाएगी। इसलिए रास्तों की परवाह नहीं करनी है, बस मंजिल को एक टारगेट बना के रखना और चलता रहना उसी दिशा में। आज अपन ने एक छोटा सा वीडियो लिया है, उसमें एक्चुअली में अपनी आगे की जो रूपरेखा है वो क्या रहेगी और किस तरीके से अपन आगे की जो प्लानिंग है, अपन को कैसे क्लासेस मतलब पढ़ाएंगे और किस तरीके का है वो सब। एक छोटी सी क्लास है एक्चुअली में, क्या एक थोड़ा सा वर्णन टाइप है, एक बिल्कुल ही समरी है उसकी कि अपन ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम की नजरिए से देखा जाएगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक कौन कौन से है उसके वो बेस पे एक छोटा सा ये टेबल बनी है। ज्यादातर देखा जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, जो मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम में आते हैं ना, हर एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आते हैं उसकी एक अपने रूपरेखा तैयार की है। उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी आप चाहे ऑफलाइन दे दो ऑनलाइन दे दो, कोई भी एग्जाम दोगे ना तो उसमें से ये क्वेश्चन या ये जरूर आता है या उससे कोरिलेटेड आता है। तो एक अपन ने ये दो पार्ट बनाए मैंने, एक टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में अपन ये है जो पिछले 2 महीने के अंदर अंदर किसी भी हालत में ये सारे टॉपिक अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, ज्यादा अपन मतलब वो। और एक है टाइप बी, टाइप बी में मैं बताऊंगा जिसमें गाइनिक आ जाएगी, गाइनिक मिडवाइफरी हो जाएगी और एक पीडीटी पिट्री, दो ये हो गया। और क्या बाकी रहेगी, नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस, तीन टॉपिक ये बाकी रहेगी अपन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, मतलब एग्जाम के जो नजरिए से अपन देखें तो कौन कौन से मोस्ट ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन फंडामेंटल फंडामेंटल के जो भी क्लासेस लेंगे ना उसमें जैसे वाइटल साइंस है, वाइटल साइंस में भी ये बेसिक एक तरह से अपन ने जीएनएम या बीएससी करते हैं तो उसमें पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन ये वापस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छे से इसको एक बार रीड करेंगे अपन। तो इस पे अपने एक छोटा सा वीडियो बनेगा वाइटल साइंस का। उसके बाद कंफर्ट डिवाइस, कंफर्ट डिवाइस में से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जो बेड्स और के लिए कौन सा पिलो 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 लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, या बेड शीट है वो कार्डियक रिनल बेड हो गया है किस तरीके का, तो उसमें ये सैंड बैग हो गया, ये हॉट वाटर 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 होगी तो ये कार्डियक टेबल हो गया, तो इस तरीके के ये कंफर्ट डिवाइसेस हो गए जो उसमें एक वीडियो बनेगा छोटा सा बना देंगे। एक पोजीशंस, वेरियस पोजीशन ऑफ द पेशेंट है ना, हर पेशेंट मतलब एवरी जो प्रोसेस होता है नर्सिंग केयर में या पेशेंट से रिलेटेड कोई भी ये अपने प्रोसेस करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, उसमें अपने कौन कौन सी पोजीशन देते हैं, तो हर पोजीशन का एक अपना खुद का एक रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे टेंडन बग पोजीशन होगी, सुपाइन पोजीशन होगी, प्रॉन पोजीशन हो गई, ये इस तरीके की बिल्कुल ही सुपाइन डोर्सल रिकमेंडेड ये सारी है ना, लिथोट्रॉन पोजीशन, तो ये हाउ फॉलो पोजीशन, सेमी फॉलो पोजीशन, तो ये सारी पोजीशन पढ़ेंगे अपन, जिसके ऊपर एक वीडियो बनेगा जो नेक्स्ट वीडियो इसी का होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आते ही आता है ना। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे अपन, इनफिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, कब हॉट हॉट कब देना चाहिए, कोल्ड कब देना चाहिए, कितना टेम्परेचर, हाउ मच टेम्परेचर रखना चाहिए, तो इस पर एक वीडियो बनाएंगे। एक ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी फंडामेंटल में आता है, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस तरीके से ड्रग्स देना चाहिए, कौन कौन से राइट्स है, कौन कौन से उसके कोड ऑफ एथिक्स है, तो ये सारी चीजें अपन ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट फंडामेंटल है ना, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम और जो क्लोराइड है उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। फ्लूड फ्लूड वही एक तरीके से वो इसके साथ में प्लाज्मा भी पढ़ लेंगे अपन, प्लाज्मा और ब्लड ब्लड भी पढ़ेंगे, फिर एनाटोमी का पार्ट है थोड़ा सा, ब्लड का एनाटोमी में ले लेंगे वो प्लाज्मा, इसके साथ में ये फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट इसके साथ में बताएंगे अपन। एसिड बेस बैलेंस, वही क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है, एसिड बेस इम्बेलेंस जो अपन एबीजी वगैरह देखते हैं उसमें ना, तो ये इस पे तो क्लास कंप्लीट हो गई। इसके प्रोसीजर्स
टोटली है ना। प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं ये मतलब फंडामेंटल में आता है ना प्रोसीजर, मतलब अपने पेशेंट के कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं जो मेडिकल या सर्जिकल जो प्रोसीजर होते हैं ना, जो ट्रेकियोस्टोमी एक छोटा सा आईवी कैनुला जेल को वगैरह लगाते हैं अपन, उसका प्रोसेस है। राइस ट्यूब का, एनजी ट्यूब का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आते ही आता है, राइस ट्यूब का भी आता है, ट्रेकियोस्टोमी का आता है, ये इंटूबेशन प्रोसेस है वो उसका आता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन उसका प्रोसेस है, सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें अपन, ये पॉलिश कैटेगराइजेशन का प्रोसेस है, ये सब क्लेवेल वैन जो भी अपने इंट्राविनस ये आईवी लाइन है उसका प्रोसेस है ना। तो ये जितने भी सारे प्रोसेस है उसमें अपने प्रोसीजर में ले गए अपन किस तरीके से करते हैं और क्या क्या मतलब एसेप्टिक टेक्निक ये सारी चीज़ें इसमें आएगी अपन आगे देखेंगे, इसमें इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन सारे आ जाएंगे। सुचर्स ये सारे पटेगा 40, 40, 30, 20, 10 क्रोमिक नॉन क्रोमिक वगैरह ये सारे इसमें पड़ेंगे। एब्जॉर्ब वाले सुचर्स कौन कौन होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेशन कौन कौन से, ट्राई एज ये भी पड़ेगा अपन, ट्राई एज मतलब रेड कोड वाइट ये सॉरी रेड येलो ब्लू, तो ट्राई एज में मतलब कौन से पेशेंट को पहले लेना कौन से बाद में लेना इमरजेंसी कंडीशन में जब आती है तो ये ट्राई एज में पड़ेगी ठीक है ना। नॉर्मल वैल्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी नॉर्मल वैल्यू अगर आपके अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज याद नहीं है मतलब आप नर्सिंग एग्जाम देने के लायक भी नहीं हो, कंपटीशन एग्जाम देने के लायक भी नहीं हो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल जीएनएम या बीएससी अगर कंप्लीट है और आपको वैल्यूज वगैरह प्रॉपर याद नहीं है तो खैर गिल्टी फील नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही परफेक्ट बात है। तो आपको अगर नहीं भी है तो आप मेहरबानी करके नॉर्मल वैल्यूज जो है वो कम्प्लीटली आपको पता होनी चाहिए, कम्प्लीटली पता होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू मुश्किल से 100 तक होगी, टोटली 80-90-100 तक होगी। 100 में जैसे आरएफटी हो गया, रिनल फंक्शन टेस्ट हो गया, जो आरएफटी या केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गया, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। उसके बाद में एलएफटी हो गया, आरएफटी हो गया, सीबीसी हो गया ठीक है ना, कंप्लीट ब्लड टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, एलएफटी हो गया, और उसके बाद में ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, सीरम की सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे एलएफटी ले लिया अपन ने ठीक है ना, लीवर फंक्शन टेस्ट ले लिया, अब उसमें आपको जब ब्लड यूरिया एसजीओटी एसजीपीटी ये सारे इनके बारे में पता नहीं है, टोटल बिलिरुबिन कितना होता है, डायरेक्ट कितना होता है, इनडायरेक्ट कितना होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, टोटल बिलिरुबिन लेवल का आपको पता नहीं है तो आप पेशेंट को क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या असेसमेंट करोगे, तो ये सारी चीज़ तो आपको जनरली नॉलेज में होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि डायरेक्ट ये कभी नहीं पूछता है टोटल बिलिरुबिन कितना होता है या एसजीओटीपीटी कितना होता है, लेकिन इससे कोरिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनता है और जब तक आपको ये वैल्यूज पता नहीं होगी तब तक आप उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे है ना। एक मतलब एलडीएल कितना होता है, एचडीएल कितना होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, तो ये सारी चीज़ें ट्रोप टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन CPK-MB ठीक है ना, CPK-MB हो गए, ये सारी चीज CPK-MM, CPK-BB ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए नॉर्मल वैल्यूज के लिए एक अपना अलग से क्लास बताएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन मतलब पुटअप होता है तो उसके बारे में आपको बताएंगे। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्या प्रोडक्शन कहाँ से होता है, कितना नॉर्मल वैल्यू होता है, उसका प्रेशर कितना होता है और कम होता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इसके डिसऑर्डर क्या है, वो सारी चीज़ अपन उसमें पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन भी पढ़ेंगे अपन, क्या होता है, किस तरीके से क्या प्रोसेस है उसका ठीक है ना, कम होता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पर्सिनियस एनीमिया क्या होता है, माइक्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो कुछ कुछ बातें इसमें रह गई होती तो वो अपन साथ में टॉपिक में, अगर कुछ बातें रहेंगी तो साथ में टॉपिक फंडामेंटल में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसी में से पुटअप होते हैं है ना, फंडामेंटल से रिलेटेड। अब मेडिसन ले लिया आपने, मेडिसन में भी जैसे इन्फेक्शन हो गया, ये अपन पढ़ेंगे, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, फ्लूड इम्बैलेंस मतलब आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, तो ये कोलॉइड है, कौन सा फ्लूड है, RL किस में आता है, NS किस में आता है, DNS कौन सा फ्लूड है, 0.45 जो होता है वो कौन सा फ्लूड है, और डिस्टिल वाटर कौन सा, ये मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चन पुटअप होता है ना इससे फ्लूड इम्बेलेंस एक या दो क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं, एवरेज हर क्वेश्चन मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन इसका बनते ही बनता है और आता ही आता है और आता भी है। नर्सिंग केयर मेडिसन भी पढ़ लेंगे अपन, नर्सिंग केयर मतलब
प्री ऑपरेटिव जो पेशेंट होता है उसके लिए क्या केयर और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए नर्सिंग स्टाफ, उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या इंडिकेशन है, क्या काउंटर इंडिकेशन है, और क्या क्या अपन को ज्यादा वो ध्यान रखना होता है पेशेंट के रिलेटेड, इंट्रा ऑपरेटिव केयर में क्या ध्यान रखते हैं, डिसऑर्डर्स, टोटल जितने डिसऑर्डर्स है ना वो अपन मेडिसिन में पड़ेंगे। डिसऑर्डर्स के है मेनली तो डिसऑर्डर्स में है, डिसऑर्डर्स में फिर वो सारा आ जाएगी जो भी डिजीज है ना वो टोटली डिसऑर्डर्स में आएगी, इसमें आ जाएगी, जैसे गैस्ट्रो, ठीक है ना, गैस्ट्रो से रिलेटेड है ना, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, कार्डियो डिसऑर्डर, कार्डियक जो भी हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है, स्किन से रिलेटेड, जेनेटो यूरिनरी से, एंडोक्राइन से, इम्यूनोग्लोबिन से, ईएनटी डिसऑर्डर और आई डिसऑर्डर, ये सभी डिसऑर्डर है जो कम से कम 10 से 12 डिसऑर्डर ये है टोटली 10 से 12 डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर में अपन क्या, फिर एक तो वो आ जाएगा भाई साइन एंड सिम्टम्स आ जाएगा, उसकी डेफिनेशन साइन एंड सिम्टम्स, उसके साथ में ये अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये और पेन भी अपन मेडिसिन में ही पढ़ने वाले हैं। एक्सक्यूज मी एक मिनट, ओके, यस, दिस वन एंड उसके बाद में अपन फॉर्मा देखे तो कई सारे क्वेश्चन आते भी है इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, एक मतलब फॉर्मा से ही ज्यादा ड्रग्स ऑफ चॉइस वाले क्वेश्चन आता है कई बार, ड्रग्स ऑफ चॉइस से मीनिंग ये है मतलब कि एवरी डिजीज में लगभग लगभग एक दो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, जो डॉक्टर्स की भी चॉइस हो गई, चाहे ड्रग्स ऑफ चॉइस खेला तो ड्रग्स ऑफ चॉइस है ना, तो कौन सी डिजीज में कौन सी ड्रग्स देते हैं ड्रग्स ऑफ चॉइस कहते हैं, जैसे एनाफिलैक्टिक शॉक ड्रग्स, तो उसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस इज ए नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, ये एनाफिलैक्टिक शॉक्स की ड्रग्स ऑफ चॉइस है, तो इस तरीके की ये ड्रग ऑफ चॉइस है वो आएगा आगे देखेगा अपन। एक हो गया एंटीडॉट, ये एंटीडॉट से क्वेश्चन आते ही आता है, कहीं बार आता है, जैसे हेपेरिन का एंटीडॉट क्या हो गया, एंटीडॉट से क्या मीनिंग है, एंटीडॉट से मीनिंग ये होता है कि जैसे कोई भी ड्रग्स का ओवरडोज हो गया है ना, कोई भी ड्रग्स का ओवरडोज हो गया उसकी वजह से एडवर्स जो इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, एक तरह से वो पॉइजन हो गया है ना, वो ड्रग्स कोई दे रहे हैं तो दे तो पेशेंट के लिए भाई सही होने के लिए दे रहे हैं, लेकिन कई बार ड्रग्स या तो पेशेंट खुद ले लेता ओवरडोज ले लेता है या ओवरडोज हो जाती है उसको किसी वजह से, तो उसकी वजह से उसको साइड इफेक्ट हो जाता है, तो उसको दबाने के लिए उसको कम करने के लिए फिर अपन को एंटीडॉट देना पड़ता है, मतलब ना उसका हर ड्रग्स का एक एंटीडॉट है, जैसे हिपेरिन हो गया तो हिपेरिन का एंटीडॉट क्या है, प्रोटामिन सल्फेट है ना, और वारफेरिन का, हिपेरिन का तो ये हो गया प्रोटामिन सल्फेट, वारफेरिन का हो गया सॉरी विटामिन के ना, तो ये इस तरीके का एंटीडॉट है, और तो ये अपन को याद करना पड़ेगा, आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ड्रग्स, टोटली कितनी ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स हो गए अलग से, एंटीबायोटिक्स के अलग से टॉपिक लेंगे, कौन से ग्रुप में कौन से ड्रग्स आती है, ठीक है ना, ये जैसे पेपरसिलिन मतलब ग्रुप की कौन सी है, पेनिसिलिन ग्रुप कौन सी है, तो इस तरीके के तो आगे पढ़ेंगे अपन है ना, तो एंटीबायोटिक में सब टोटली ड्रग्स आ जाएगी, और ड्रग्स में फिर अपन पढ़ेंगे कार्डियक ड्रग कौन सी है, एंटी साइकोटिक ड्रग कौन सी है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कौन सी है, तो ये सारी चीज अपन एंटीबायोटिक्स में पढ़ लेंगे। उसके बाद में आता है रूट एंटीबायोटिक या जो भी ड्रग्स अपन मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, तो रूट आ गया, रूट में अपन पढ़ेंगे भाई कौन कौन से रूट है, ठीक है ना, आईवी है, आईएम है, इंट्राथिकल है ना, ये सारी चीज अपन इसमें पढ़ेंगे, इंट्रावोसियल है, इससे भी क्वेश्चन पुटअप होता है कई बार, और उसके वापस आईवी देते हैं तो उसका क्या एडवांस और क्या डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये भी अपन रूट के साथ में पढ़ लेंगे। और ये तो अपन टाइप ए का प्लान है ना, टाइप ए का प्लान है,
ये सारी चीजें। अब अपन फिर उसके बाद में टाइप बी पढ़ेंगे। टाइप बी प्लान में क्या क्या रहेगा अपना, ये तो मिडवाइफरी है ना, गायनिक से गायनिक एंड मिडवाइफरी रहेगी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक मिडवाइफरी, और पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक पार्ट से भी कई बार क्वेश्चन आते रहते, तो पीडियाट्रिक पढ़ेगी अलग से, और नर्सिंग प्रोसेस है ना, और बायोकेमिस्ट्री के कुछ कुछ क्वेश्चन है तो वो उसको भी सॉल्व कर देंगे साथ में, बायोकेमिस्ट्री के भी आते हैं। और उसके बाद में फंडामेंटल में साथ में पढ़ेंगे भी डिटॉल, डिटॉल है ये अपने, सेवलॉन है, ये चारी चीजें। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा सा रूपरेखा थी, प्लानिंग आगे की क्या प्लानिंग है, पिछले लास्ट मतलब आगे आने वाले 2 महीने में अपन क्या करने वाले, उसकी गाइडलाइन थी, उसके बारे में थोड़ा बता दिया मैंने कि इसमें पूरा समेट लिया एक तरह से, इस तरीके से अपने आगे की प्लानिंग रहेगी, और ये इसी चैप्टर से अपन वीडियो डालते रहेंगे, और अपना आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता रहेगा, तो अगर मैं मोटिवेट होता रहूँगा तो अपना इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना के और अच्छे से मेहनत करके, और हो सके अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी चैप्टर्स पढ़ने में कोई वो नहीं है, लेकिन इसका वापस अपन है ना क्वेश्चन और वो आंसर अपन सेशन रखेगा अलग से, वीकली एक सेशन रखेगा अपन, तो उसमें कम से कम जितने क्वेश्चन होंगे ना उतने करेंगे अपन डीप, मतलब पूरा एकदम से डिस्क्रिप्टिव करके पूरा करेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल से एक क्वेश्चन लेके एक क्वेश्चन को वापस एम्स में किस तरीके से आते हैं, और राजस्थान में CHO में किस तरीके का है, ESA में किस तरीके का है, वो सारे अलग अलग मतलब तरीके से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जनरली ज़्यादातर कि मतलब बार 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 वो रिपीट कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं उसके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ में आप ऐसे ही वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबाते रहे ताकि बीच बीच में जितने भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसी आशा और नई उम्मीद के साथ जय हिंद जय भारत, थैंक यू।